नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकिता, ये आपको एक बड़ी खबर की ओर ले चलते। नगर पंचायत शंकरगढ़ की घोर अनियमितता के चलते नगर में पानी के लिए मची त्राही त्राही। वहीं नगर पंचायत शंकरगढ़ में टैंकरों द्वारा हो रही गंदे पानी की जल आपूर्ति की शिकायत सचिव से करने का प्रयास लोगों ने किया, तो सचिव का फोन स्विच ऑफ मिला, जिस पर नागरिकों ने गंदे पानी व कर्मचारियों के मनमाने रवैये की शिकायत उप जिलाधिकारी से की। नगर पंचायत शंकरगढ़ द्वारा आर्य समाज मोहल्ले में टैंकर सचिव के कहने के बाद पांचवे दिन आया भी तो वो भी गंदा पानी लेकर, और जब नागरिकों ने पूछा तो ड्राइवर ने बोला जिसको ज्यादा जल्दी उसे गंदा पानी ही मिलेगा। साथ ही नागरिकों ने पूछा टैंकर भरा है, तो चालक बोला भरा है, जबकि आधा टैंकर गंदा पानी का खड़ा किया गया है। नगर पंचायत के इस रवैये को लेकर नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। प्रयागराज शंकरगढ़ से हेड कोऑर्डिनेटर विनय कुमार साहू।